प्रसिद्ध समाज सेवी लोकेन सिंह कालवी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन डॉक्टर रवि प्रताप के संयोजन में के वाटिका रिसोर्ट में किया गया। कई महीनों की लंबी बीमारी के बाद विगत 13 मार्च 2023 को जयपुर में इनका निधन हुआ था। इस श्रद्धांजलि सभा में देश भर के अंतिम समाज के लोग उपस्थित होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उक्त अवसर पर प्रशांत सिंह प्रभारी दिल्ली प्रदेश के सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श पथ पर चलते हुए एकजुट होकर आगामी नवंबर 2023 दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट होकर समाज एवं अखंडता परिचय देने का संकल्प लिया। लोकेन सिंह कालवी साहब का गया के धरती पर तमाम युवा वर्ग बुजुर्ग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और कालवी साहब के विचारों को हम समाज के हर तबके में पहुँचाना चाहते हैं। कर्णी सेना का संस्थापक बनने का उन्हें दायित्व जो उनको मिला था, आप उनके भाव को अब पढ़ सकते जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो तो हरजन की पगड़ी भी पहनते हैं, तो ये हमारा समाज का सबसे बड़ा ये समझिए कि हमारा जो हमारा क्षत्रिय समाज है आज इस चीज़ से दूर होता जा रहा है। यही समाज के में हमें इस संदेश को पहुँचाना है कि हमें हमारी कर्णी सेना ने हमें तलवार पकड़ाने के लिए नहीं बोला है। तलवार की जो जरूरत थी, जितना इतिहास गवाह है, जितना क्षत्रियों ने बलिदान दिया है, जब तलवार की जरूरत थी तो क्षत्रियों ने जितना तलवार उठाया है उतना कोई समाज नहीं उठाया है। इतिहास मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतिहास सब जानते हैं। लेकिन आज हमारी सोच ये है कि समाज का वो तबका, खास करके हमारा समाज, वो तबका जो वंचित है, जहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, जहाँ शिक्षा पहुँचनी चाहिए, जहाँ रोजगार पहुँचना चाहिए, वहाँ कर्णी सेना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और जानबूझ के एक सोची समझी साजिश के तहत हमें विघटित करने की कोशिश की जाती है। आप देखते हो कितनी सभा बन जाती है, क्षत्रिय महासभा, ये सभा वो सभा, अपने लालच में अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए बनते, जिससे हमारा समाज थोड़ा सा पिछड़ रहा है। लेकिन ये जो समझिए कि ओरिजिनल सेना था, ये ओरिजिनल सेना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी सोच में जो पहले के राजाओं की सोच थी, पहले राजा हुए, मुगल राजा आया, राणा प्रताप हुए, सब सारा इतिहास गवाह है कि जो सबको लेकर चलता था वही देश पर लगातार राज किया। जब अंग्रेजों ने जब तुम्हें तोड़ने की साजिश रची तो उनको यहाँ भागना पड़ा, समय लगा, बलिदान दिया गया, गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ पटेल साहब, नेहरू साहब, सब ने भी तो बलिदान दिया, लेकिन भागना पड़ा। राज लंबा वही किया जो समाज के हर तबके को लेकर चला, और इस हमारा क्षत्रिय समाज हमेशा सक्षम रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस राज्य सभा के माध्यम से समाज के हर वर्ग में बात पहुँचे और आगे जैसा इनका प्रण है कि आगे और चल रामलीला मैदान में करें तो बढ़ चढ़ कर, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग भी इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम सफल बनाएंगे, क्योंकि आपकी सोच सही है, आपका विचार सही है। वंचित लोग तक हमें पहुँचना है, हमारा समाज का जो वंचित गरीब व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे हो, ये हमें सोचना है। ये सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह, खुद प्रत्याशी महागठबंधन वर्जिगढ़ विधानसभा। 13 2023 श्री लोकेंद्र सिंह कालवी जी का निधन हुआ। यह राजपूत समाज के लिए ही नहीं, सर्व समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिस क्षति को कभी किसी भी चार्ज कोशिश कर ले, लेकिन इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि है मगध की धरती में क्षत्रिय समाज की तरफ से श्री लोकेंद्र सिंह कालवी जी के लिए, कि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि कालवी साहब का जीते जी हम लोग यहाँ प्रोग्राम ले सकें, कालवी साहब के आदर्शों पे चलने का मौका हमारे यहाँ मगध के युवाओं को मिले, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन ये श्रद्धांजलि कालवी साहब के लिए एक छोटी सी श्रद्धा सुमन है मगध के राजपूतों की तरफ से, और उनके आदर्शों पे चलने वाले श्री प्रशांत सिंह, सिंह हसनी जी, श्री महिपाल सिंह मकराना जी के नेतृत्व में कर्णी सेना और राजपूत समाज आगे बहुत कुछ करने वाली है। 2006 में कर्णी सेना की स्थापना हुई थी, तब से 2018 तक कर्णी सेना पूरे भारत में एक राजपूत को विरोध कर रही, मतलब एकता का मिसाल पेश किया। क्या आगे भी इस तरह का एकता का मिसाल पेश किया जाएगा समाज में? कालवी साहब ने, आदमी कुछ शुरू करता है तो उसमें हर दिन एक नया सोच लाता है, एक नई सोच से आगे बढ़ता है। कालवी साहब ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, जो बहुत कुछ बचा हुआ था समाज के लिए करने का, और हमारे प्रशांत जी यहाँ पे खड़े हैं, प्रशांत जी हर बात के साक्षी हैं कि किस तरह से कालवी साहब ने, इनकी क्षति हम लोग कोई जन्म में पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर है कालवी साहब ने अपने नेतृत्व में महिपाल सिंह मकराना जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कर्णी सेना के, और हमारे प्रशांत जी दिल्ली प्रभारी, इन लोग को इतना ट्रेंड कर दिया है कि कालवी साहब के आदर्श
कभी पीछे नहीं रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, उसमें कभी कोई कटौती नहीं आएगी। इसमें हमारे अमित जी हैं बिहार और झारखंड के प्रभारी, रोहित जी हमारे मंत्री जी हैं, इन लोगों ने पूरा दृढ़ता से कालवी साहब के नेतृत्व में इन लोगों ने काम किया है। इन लोग को पता है कि कालवी जी सोचते क्या थे, कालवी जी का क्या आदर्श था। कालवी जी कभी कोई आडंबर नहीं करते थे। तो करणी सेना और हमारे जितने भी यहाँ पे पदासीन लोग हैं करणी सेना के यहाँ मौजूद, ये लोग, मुझे इन पर पूरा भरोसा है कि समाज को जिस डायरेक्शन में कालवी जी चाहते थे ये और आगे बढ़ाएंगे। और समाज, आज तक कालवी जी का सोच था कि दिल्ली में एक अच्छा आयोजन हो, तो हमारे दिल्ली के प्रभारी प्रशांत सिंहासनी जी ने खाली पैर पद यात्रा करते हुए अप्रैल से शुरू करने वाले हैं ये, और इन्होंने प्रण लिया है कि नवंबर में रामलीला मैदान, जो कि आज तक क्षत्रिय समाज ने कभी कोई भव्य आयोजन दिल्ली में नहीं किया है, 8 लाख लोग थे, 5 नहीं थे, 8 लाख लोग वहाँ पे, 8 लाख थे वो में। और इस बार हमारी विचारधारा है कि जहाँ देश की दशा और दिशा तय होती है जहाँ से, वहाँ पे कालवी साहब को एक श्रद्धांजलि दी जाए, और ऐसे व्यक्तित्व के लिए शाही श्रद्धांजलि उचित भी है रामलीला मैदान में, कि कम से कम 5-6 लाख राजपूत हों और वहाँ पे एक आवाज़ में कालवी साहब अमर रहे कि गूंजो और माँ करनी की जयकारा से शुरुआत हो। और आज तो श्रद्धांजलि सभा में हम लोग हैं, लेकिन कालवी साहब हमेशा ये बात रखते थे कि राजनीतिक भागीदारी क्या होनी चाहिए राजपूतों की, ये देश तय करे, ये आप लोग तय करें, क्योंकि इस देश में 563 रियासतें राजपूतों ने दान दी है। आज उस 563 रियासतों में राजपूत कहाँ हैं, इसकी जिम्मेदारी अब देश तय करे। और मैं ये भी कहूँगा कि राजपूत भी जब राजा हुआ करते थे उस समय भी बाकी 36 कौम मजबूत होते थे, आज भी देश की प्रधानमंत्री कोई राजपूत बने तब भी आज से ज़्यादा सुरक्षित आप उस दिन पाएंगे। आज माहौल श्रद्धांजलि का है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सभी को आह्वान करूँगा कि आप नवंबर में तैयारी करें, आप सभी भी आए, देश की आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोग भी आए रामलीला मैदान में और इस मुहिम से जुड़े। और उससे पहले हम लोग एक बार गया है फिर से पूरे बिहार में, बाकी अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी भ्रमण होंगे। हम डॉक्टर रवि प्रताप जी हैं, अमित जी हैं, रोहित जी हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन में यहाँ पे काम होता है। 8 श्रद्धांजलि सभा